hello students uh, today we are going to start very important even i say most important lesson of your syllabus indigo and in my first audio i told you about some uh, central idea and some basic of this lesson so today we are going to tell you this in detail indigo as the title i said you indigo and you say हिंदी नील दैट ब्लू कलर पाउडर वी यूज फॉर वाइट क्लॉथ्स व्हेन वी द क्लॉथ्स टू शार्पन द कलर तो उस इंडिगो के बारे में बात हो रही है एंड व्हाई दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज दिस इज अबाउट फर्स्ट सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी इन हिज़ रेवल्यूशनरी जर्नी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिसंबर 1916 गांधी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस देर वर ट्वेंटी डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स अपीजन फ्रॉम चंपारण राजकुमार शुक्ला आस्ट गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट शुक्ला फॉलोड गांधी गांधी वेयर इवेंट गांधी एंड शुक्ला बॉडी द ट्रेन फॉर पटना शुक्ला लेट गांधी टू दाउस ऑफ लायर ने राजेंद्र प्रसाद दे कुम उन्नीस सौ सोलह उन्नीस सौ सोलह कहाँ की बात है लखनऊ की गांधी थे लखनऊ में और वहाँ पे वो कांग्रेस की एक एनुअल कन्वेंशन मीटिंग आप कह सकते हैं फॉर्मल मीटिंग अटेंड करने गए थे और वहां पे बहुत सारे डेलीगेट्सौ एक डेलीगेट्स जो मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हुए थे और उन्हीं में एक आए हुए थे किसान राजकुमार शुक्ला जो चंपारण से आए थे उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो उनके डिस्ट्रिक्ट में चले और गांधी जी के पास तब अपॉइंटमेंट्स थी उन्होंने मना कर दिया लेकिन शुक्ला हर वक्त गांधी जी का उन्होंने साथ रहे वो पीछा किया फाइनली गांधी जी ने उनको टाइम दिया और उस टाइम के अकॉर्डिंग वो दोनों एक ट्रेन के थ्रू पटना आए गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ल ये राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता है <clears throat> शुक्ला और राजकुमार राजकुमार शुक्ल एंड गांधी जी दोनों राजेंद्र प्रसाद जो एक एडवोकेट थे बाद में आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड तब वो एडवोकेट थे सिर्फ और एडवोकेट घर पे नहीं थे अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज मेन झगड़ा क्या था क्योंकि जब तक आपको इसका डिस्प्यूट का कारण नहीं पता होगा तो आपको सोल्यूशन तो उस पर हम बात करते रहें दैट इज यूजलेस तो वट वॉज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम वॉज शेयर क्रॉपिंग सिस्टम ट्राई टू अंडरस्टैंड जैसे हमारे एरिया में होता है शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है अब नहीं होता पैसे हम अब तो यहाँ पे क्या चलता है कि ठेके पे ज़मीन दे देते हैं और उसके बदले में जो लैंडलॉर्ड को पैसे दिया जाते हैं लेकिन शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वो ये होता है कि आपको जमीन किसी लैंडलॉर्ड के और किसान उस पर काम करता है और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा वो एरिया वाइज डिसाइड होता है कि कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड को दिया दे दिया जाता है उस लैंड के रेंट के तौर पे तो अब हम समझते हैं शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो झगड़े की जड़ था उस टाइम चंपारण में क्या था पीजेंट पीजेंट होते हैं फार्मर्स, होल्डिंग्स एंड सरेंडर द इंडिगो रेंट टू दैंडलोड कि जितनी भी लैंडलोड अपनी जमीन किसान को देता उसकी पंद्रह परसेंट जो ज़मीन के ऊपर उसको इंडिगो की खेती करनी होती है ध्यान से सुनिए एक पांच नंबर का क्वेश्चन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था कि उसकी पंद्रह परसेंट लैंड पे यानी कि अगर दस एकड़ जमीन उसने उसने लैंड ने दी है किसान को तो उस पर डेढ़ एकड़ पे वो इंडिगो की खेती करेगा और जितनी भी इंडिगो होगी वो सारी की सारी लैंड को ऐसे ही दे, दे देगा उसका उसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा और वो एक रेंट के तौर पर उसको दे दी जाएगी लैंड को लेकिन ये ऐसे बिल्कुल ठीक चल रहा था इसमें किसान भी अग्री थे और लैंडलॉर्ड भी अग्री थे ऐसे चल रहा था वेन जर्मनी डिवेल्प सिंथेटिक इंडिगो एंड द ब्रिटिश प्लान स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग बनी इलीगली एंड डिसाइटफुली एज कम्पनसेशन फॉम द पीजन फ्रॉम फॉर बींग रिलीज फ्राम दिन परसेंट ऑफ अरेंजमेंट ये देखो ये जर्मनी कहाँ से आ गया आप क्योंकि जो इंडिया से जो इंडिगो की खेती होती थी ये एक्सपोर्ट होती थी इंग्लैंड में और भी कंट्रीज में लेकिन जर्मनी ने सिंथेटिक सिंथेटिक होती है नकली नकली इंडिगो बना ली और नकली नेचुरली सस्ती होती है उनको सस्ती मिलने लगी तो अब इंडियन इंडिगो की रिक्वायरमेंट रही नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो फिफ्टीन वाला अरेंजमेंट है ये खत्म कर दिया और इसके बदले अब खे इंडिगो की खेती नहीं करनी इसके बदले क्या करना है अब इसके बदले उनको एक अमाउंट ऑफ मनी देना है फार्मर जो लैंडलॉर्ड को रेंट के तौर पे देंगे और जो पीजेंट वो आर मेड मेड टू तो साइन न्यू अग्रीमेंट एंड पे मनी ये लैंड लॉर्ड के बारे में यूज हो रहा है और पीजेंट वही फार्मर के बारे में किसानों के बारे में शेयर क्रॉपर्स के बारे में यूज हो रहा है ला <coughs> मैनी अब क्या हुआ धक्के से ही किसानों से बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करवा लिए गए और वो जो अमाउंट था वो बहुत सारे किसानों ने पे करना शुरू कर दिया और कुछ किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि वो ये अमाउंट पे नहीं करेंगे उन्होंने वकील किए और वो चले गए कोर्ट तो ये थी मेन प्रॉब्लम अब मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी ने स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सुलझाया कैसे गांधी डिसाइडेड टू तो गो टू तो मुजफ्फरपुर टू तो ऑबेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट तो द कंडीशन इन चंपारण ये देखो चंपारण के एरिया है मुजफ्फरपुर चंपारण में ही आता है तो वहाँ पे उसने गांधी जी गए कि इंफॉमेशन कलेक्ट करते हैं हेरीस्ट मुजफ़रपुर बाय ट्रेन एट मिड नाइट ऑन फिफ्टीन अप्रैल नाइनटीन सेवनटीन प्रोफेसर जे बी हिम एट द स्टेशन गांधी स्टेड देयर फॉर टू डेज द न्यूज़ ऑफ गांधीज़ अराइवल एंड द नेचर ऑफ इज मिशन सेपरेट क्विकली थ्रू मुजफ़रपुर एंड टू चंपारण देखो गांधी जी गए पंद्रह अप्रैल उन्नीस सौ सत्रह में वो वहाँ पहुँचते हैं एक प्रोफेसर जे बी कृपिलानी है ये उनका स्वागत करते हैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ और गांधी जी का जो मिशन है वो सारे किसानों में फैल जाता है कि कोई महात्मा इज़ देयर कोई महात्मा आया है जो उनकी मदद करना चाहता है तो फिर क्या हुआ शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग देयर मुजफ्फरपुर लायर ब्रीफ्ड गांधी अबाउट द कोर्ट केसेस अब किसान इकट्ठे होने लगे उनका जो केस लड़ते थे वो वकील इकट्ठा होने लगे तो गांधी जी को पता चला ही चाइडेड

और सच्चा सुख कोई उन किसानों के लिए हो सकता था तो वो थी फ्री फ्रॉम फियर डर के ऊपर जीत तो उसके लिए गांधी जी ने क्या किया देन गांधी अराइव इन चंपारण अब जो मेन सिटी है चंपारण वहां आ गए हैं गांधी ही टू गांधीन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जैसे किसानों की एक एसोसिएशन थी ऐसे लैंडलॉर्ड की भी एक एसोसिएशन थी और बेसिकली गवर्नमेंट की सपोर्ट जो थी वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को थी तो उन एसोसिएशन के पास गांधी जी इंफॉर्मेशन लेने गए ही तो उनके जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के ही रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर गांधी दैट ही नॉट अराउंड नेक्स्ट गांधी ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द द कमिश्नर स्टार्टेड बोलिंग गांधी एंड एडवाइज लीव तिरह अब देखिए कि उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे तो उनके जो सेक्रेटरी ने कहा कि हम बाहर के किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे गांधी जी ने कहा मैं आउटसाइडर नहीं हूँ मैं इन किसानों के बीच का हूँ तो फिर अगले दिन ही जो तिरहत डिवीजन के अंदर आता है ये चंपारण उसका कमिश्नर गांधी जी को बता बुलाता है उसको डांटता है बुलिंग और उसको सलाह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ लेकिन गांधी ने वहीं से न जाने का फैसला किया गांधी वेंट टू मोतिहरी गांधी जी मोतिहरी जाते हैं द कैपिटल ऑफ चंपारण ये चंपारण की राजधानी है Him, बहुत सारे जो है जो एडवोकेट्स उनके साथ गए अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल एट द रेलवे स्टेशन इट द दिगनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द फ़ियर ऑफ ब्रिटिश और बहुत सारे किसानों ने गांधी जी का चंपारण में स्वागत किया और ये शुरुआत थी कि जो अंग्रेजों का डर था गांधी और किसानों के दिल में उससे जीत पाने की ये शुरुआत थी तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेपीट है मेल्ट्रेटेड मेल्ट्रेटेड क्या होता है टॉर्चर्ड फिजिकली कि ये खबर आई कि एक किसान के साथ बहुत उनको फिजिकली टॉर्चर किया गया एक साथ वाले गांव में द नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट सुन ही वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर एंड ऑर्डर टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज गांधी कंप्लाइट देखो अगले दिन गांधी जी जाते हैं और उस किसान का पता उस किसान से मिलने के लिए जो एक हाथी के ऊपर बैक ऑफ एन एलिफेंट बैठ के जा रहे होते हैं उसी दौरान एक पुलिस सुप्रीडेंडेंट की गाड़ी आती है जैसे एस होता है हमारे यहाँ सुप्रीडेंट ऑफ ऑलेज और उनका मैसेंजर आता है खुद तो नहीं आते वो और वो उनको कहते हैं कि उनकी गाड़ी में बैठें तो हाथी से उतर के उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गांधी जी साथ चल पड़ते हैं

तो अब जो है गांधी जी को वहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है कि तुम चंपारण छोड़ के चले जाओ लेकिन गांधी जी ये जान उन्होंने मना कर देते हैं वो साइन करते हैं वहाँ पे उस नोटिस के ऊपर कि मैं ये यह यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा और वो अपनी तैयारी वहाँ पे लड़ाई की पूरी तैयारी करते हैं राजेंद्र प्रसाद को बुलाते हैं और वो अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं और वॉयस राय को भी सारी रिपोर्ट की ये सिचुएशन है बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे